एसडीएफ न्यूज स्वागत करता आपका 10 बड़ी खबरों के साथ, मैं हूं आजाद। प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त अनेक कीमती उपहारों में से एक है पृथ्वी। इसी उपलक्ष में आज पटना के विभिन्न पंचायतों में 200 पेड़ लगाने का पूर्व आदेश के तहत ही लक्ष्य प्राप्ति का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मातहतों को अगले माह सितंबर तक बाढ़ की निगरानी का आदेश दिया है। उन्होंने इस बाबत सतर्क रहने को कहा है। एक अन्य आदेश के तहत मुख्यमंत्री सभी निर्माण कार्यस्थल पर काम करने वालों को कार्य अवधि में मास्क पहनने की अनिवार्यता लागू करने को कहा है। बिहार पुलिस ने मास्क को लेकर पहले लोगों को सतर्क किया, लेकिन अवहेलना करने वाले लोगों ने अपना रंग भी दिखा दिया। इस बीच सघन कार्रवाई और जांच के आदेश पर पुलिस ने 986 वाहनों को जब्त कर 22,000 से अधिक दंड शुल्क भी वसूला। पटना समेत सूबे के दूसरे हिस्से में मास्क नहीं पहनने वालों पर इसी तरह प्रशासनिक दंडा चलता रहेगा। आज आर ब्लॉक फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से होने को लेकर जनता के बीच खुशी का माहौल देखा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बतौर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। पटना प्रशासन की नजर अब उन नाविकों पर है जो ओवरलोड कर नाव परिचालन को जोखिम भरा बना रहे हैं। अभी गंगा की उफनती धाराओं में सामान्य नाव चलाते समय भी खास सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, लेकिन कई नाविक नियमों की अनदेखी कर ओवरलोडिंग करते नजर आए हैं, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान भी लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भारत सरकार की पीठ थपथपाते हुए यह कहा है कि अब इस सुविधा का लाभ किसानों को मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वे चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। चुनाव आयोग ने भी 11 अगस्त तक सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं। इससे बिहार विधानसभा चुनाव में सहूलियत होगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के संज्ञान में बात लाते हुए आग्रह किया है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नहीं बिगड़ने पाए, इसलिए अभी से तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए। उत्तर बिहार के लोगों के लिए बाढ़ एक अभिशाप बनता जा रहा है। हर साल लगभग सभी जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराता है, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। नतीजतन हर साल फसलों की बर्बादी से किसानों की जिंदगी तबाह होती है। इस बार भी लगातार बारिश के कारण बाढ़ आई तथा सभी फसलें बर्बाद हो गईं। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.